इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद कॉमरेड विनोद सिंह को लाल कोडरमा का सांसद कैसा हो, कोडरमा का सांसद कैसा हो, कॉमरेड विनोद सिंह को लाल सवाल इंडिया गठबंधन जिंदाबाद लोकसभा के प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर हैं। आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर ये जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए तो फुलजोरी हॉल्ट के पास एक सभा को आपसे बस कुछ देर के बाद ये संबोधित करने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी शुक्रिया। क्षेत्र की प्रमुख जो जन समस्याएं आपके संज्ञान में है वो कौन कौन सी? बिल्कुल, गांडे हो, बेंगाबाद हो, कोई इलाका हमारे लिए छुटा नहीं है। हर जगह हर इलाके लगातार आए रहे हैं। जरूर एज ए लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आज पहला दौरा है, लेकिन गांडे बेंगाबाद के और एक तो इस लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा सवाल है पूरे देश भर के लिए, इस राज्य के लिए भी और यहाँ भी है, तो यहाँ भी है कि नहीं कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन आई थी, समाज सुधारी विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, ये सारी चीजें हुई, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, इन रोजगार के नाम पर लोगों को जो है संविदा वाली नौकरियाँ जो पकड़ाई गई, उसमें मजदूरी और मानदेय लगे। जहाँ तक कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बात है, इसमें गिरिडीह की नियुक्ति है, 4 विधानसभा है और आज गिरिडीह के पूरे इलाके की जो है व्यवस्था है तो प्रवासी, इन हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सपना देखने वाले प्रवासी के लिए अगर आप रहें तो सुविधा करती है, उनकी सुविधा न उनके स्वास्थ्य की सुविधा न उनके सुविधा है। अगर ये नहीं होता मनरेगा जैसे देश में बढ़ती, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में सबसे कम मजदूरी मिलेगा तो दी जा रही है। एक सवाल गिरिडीह आकांक्षी जिला का घोषित किया गया, लेकिन आकांक्षी जिला के बावजूद गिरिडीह आकांक्षी सबसे ज्यादा ग्राहकों का यहाँ पे आकांक्षी जिला के बावजूद गिरिडीह जिले के जो है लोकसभा क्षेत्र में जो है 300 से ज्यादा गाँव जो है और जब प्रधानमंत्री ग्राम सोना 40% राशि राज्य सरकार दे रही है तब भी जो है भारत सरकार अंशदान नहीं दे रही है। ये तो गनीमत है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से पूरी राशि दे रही है, इससे कुछ सबूत ये सारे सवाल हैं। ये जो सारे सवाल हैं, गिरिडीह का इलाका और कोडरमा का दो इलाके हैं, एक इलाका अमृत माइका का था जहाँ कृषि उद्योग थे, दूसरा इलाका जो है आपका जो है गिरिडीह का, जो गिरिडीह मुफस्सिल में है, बनियाबाद बनिया जो डी है जो उसमें कलरी का मसला था, लेकिन वो तमाम चीजें बंद की जा रही है। बड़े बड़े घरानों के लिए नौसी क्लियरेंस हो रहे हैं, जो थोड़ी बहुत रोजगार इसके होते वह अभी रास्ते जो क्लोज किए जा रहे हैं। सर, अभी आपने डिबरी किसी और गांव प्रखंड में जो बंद डिबरा व्यवसाय की बात कही है, क्या आप प्रयास करेंगे कि वो जो व्यवसाय बंद पड़ा है वो चालू हो जाए? बिल्कुल, हम लोग लगातार हैं कि भाई कि गुड्डा से पावर प्लांट जाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो सकता है, छत्तीसगढ़ में जंगल काटे जा सकते हैं, बड़े बड़े घरानों के लिए जो है पूरे बड़का गांव में धरन खेल खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो रिसर्व माइंस में जो लोग हैं, जो ढिबरा चुनने वाले लोग हैं, उन तमाम लोग जो उस पे हैं जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो है रंगा लगा रही है। जबकि कहा गया था कि भाई अवरख की चमक वापस आएगी, लेकिन वापस क्या उनके लिए और परेशानियां हो रही है। यह जिला गिरिडीह कोडरमा जो UGC में देखे तो शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़े जिलों में है, लेकिन आप उठा करके देख ले, शिक्षा मंत्री तक हुए यहाँ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री, लेकिन न कोई मेडिकल कॉलेज, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, न कोई विश्वविद्यालय, मतलब केंद्र से तो कहीं से कोई योगदान नहीं। जो कुछ भी अभी अभी हुआ है, शुरुआत है, वो राज्य के द्वारा हुआ है। तो ये सारे सवाल, ये सारे मुद्दे। सर, प्रदेश में पलायन और फिर महानगरों में या फिर विदेशों में जो हमारे मजदूर हैं उनकी आने वाले लगातार उनकी जो दुर्घटनाएं,
इस पर लगातार आपने आवाज उठाया है, आने वाले समय में आप क्या प्रयास करेंगे कि इस तरह लोगों को पलायन ना करना पड़े? बिल्कुल, सबसे पहले पलायन तो ये है कि जो छोटे मोटे मिनरल्स है वहाँ लोगों को मिले। झारखंड सरकार ने एक एक्टिविटी कानून भी बनाया कि कम से कम झारखंड में निजी क्षेत्रों में भी 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जन से ज्यादा सांसद रहे, लेकिन उन लोगों ने इसको सहयोग करने के बजाय चाहते हैं कि बीबीसी में लागू नहीं होगा, बोकारो सर्वर में लागू नहीं होगा, बीबीपीएस में लागू नहीं होगा, क्योंकि सीएल सीसीएल में लागू नहीं होगा। राज्य सरकार ने राज्य की विधानसभा में स्थानीयता संबंधित जो है विधेयक पेश किया, लेकिन राज्यपाल उसको वापस कर देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह उनके खिलाफ बयान देते हैं, कोई 12 में से 12 सांसद उनके खिलाफ आवाज नहीं उठते हैं। तो जहां तक प्रवासी मजदूरों का, अगर ये चीजें होती तो पलायन रुकती, और प्रवासी मजदूरों का एक सवाल सुरक्षा का सवाल है। पिछले दिनों राज्य सरकार से लगातार लड़ करके हम लोगों ने दुर्घटना में मुआवजा की राज्य ने नीति बनाई, सामान्य ही परिस्थितियों में किसी की मौत हो जाए तो उसके 100 आए, लेकिन अभी भी उनको बीमार अगर कोई वो बॉम्बे में होंगे, बीमार अगर वो हैदराबाद में होंगे, बीमार अगर वो सूरत में होंगे, तो क्या गिरिडीह या रांची आकर के इलाज करेंगे? कोई भी उनके पास कोई यूनिवर्सल कार्ड नहीं है। तीसरी चीज है, एक बड़ी संख्या में लोग विदेश काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन भले ही पीठ और सीना चौड़ा के बात करती हूँ, तमाम कंपनियों से एक एमओयू नहीं है भारत सरकार का कि विदेश में हमारे मजदूरों के साथ श्रमिकों के साथ कुछ भी हो तो उनके बीमा की गारंटी हो, उनके आश्रितों की गारंटी हो। तो ये सारे सवाल ये मुद्दे का। सर, छवि आपकी काफी साफ सुथरी है लोगों के बीच में, अवसर मिला तो जो हमारे आपके क्षेत्र के जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो दलित शोषण शोषित और पिछड़े वर्ग के लोग, उन लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए क्या कुछ सोच कर रखी है? बिल्कुल, पहली बात तो कि कोई चीजें योजनाएं और सारी चीजें गवर्नमेंट और सरकार से होती है, हमारे लिए पक्ष यही रहे, सरकार कोई हो, मंत्री मुख्यमंत्री कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो, जनता का पक्ष हमारा पक्ष रहा। इसलिए इस राज्य विधानसभा में भी मुझे जब भी मौका मिला, 3 बार मिला, हमेशा राज्य में जहाँ भी कमजोर वर्ग के लोगों में इसी समूह के हों, इसी समुदाय के हों, वो दलित हों, अल्पसंख्यक हों, पिछड़े हों, या आम नागरिक हो, उनके ऊपर चाहे पुलिस कमी का मामला हो, उनके हक अधिकार का मसला हो, उन तमाम चीजें हों, तो सवाल उठते रहे, हमारी निष्ठा उनके साथ मिली, सड़कों में जो आवाज उठती है उसको कैसे सदन में उठाया जाए और सरकार के संज्ञान में ला करके उस पर लड़ाई लड़ी जाए। आज कोडरमा देश के 100 सांसद